हर खबर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज चैनल को। घंटे का बटन दबाकर पाएं सबसे तेज समाचार आपके मोबाइल पर। उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर को वाईफाई काट दिया आपने, जेल बना दिया। हम पूछ रहे हैं गोगल गांव का, तुमने रास्ता डुबो दिया और बिजली काट दी। अब रास्ता डुबोने और बिजली काटने के बाद मोबाइल तो बंद हो गए, तो आपका नेटवर्क भी गया। कश्मीर में सिर्फ नेटवर्क गया था, तुमने तो बिजली भी काट रखी है दिवाली के समय। तो भाई अगर वहां देखते हो तो अपनी जनता को भी तो देखो, उसको को इतनी बुरी स्थिति में डाल रहा, कोई कारण नहीं है जिसका। तो एक बार फिर से अन्याय हो रहा। और ये जो बैठे हैं भोपाल, जिनको पता नहीं कि क्या दर्द होता है विस्थापन का, वहां बैठ के निर्णय लेते। मैं बता रहा हूं, मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मिला हूं गोपाल रेड्डी जी से 21 तारीख को। मैंने कहा मुझे तर्क बताइए, 30 साल नर्मदा की घाटी में लड़ाई लड़ रहे, कानून बता दो मुझे, तर्क बता दो कि क्यों बाद में पानी भरा जाना चाहिए। कोई तर्क नहीं है। जिस अधिकारी से एकड़ का कपास में पानी घुस गया। एक तो इंद्र राजा ने पहले कपास का नुकसान किया, और अब थोड़ा बहुत अच्छा बाहर आया था, तब नर्मदा माता को गुस्सा दी इन लोगों ने, और हम लोगों को मतलब जान से मारना चाहते हैं कि मर जाओ। ये मस्त दिवाली है किसानों की, मस्त दिवाली मनाते हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा कि हमारे घर मनुष्य मर गया, दिवाली नहीं लग रही, मनुष्य मर गया। यमन के हम कल के रो रहे हैं, हमारे खेतों में पानी घुसा, हम कल के रो रहे हैं। दिवाली जैसी दिवाली हमको नहीं लग रही, क्या करें? सुनवाई नहीं है, नहीं प्लाट, नहीं मकान तोड़ो, नहीं उसका पैसा। तो हम देखिए, जल सत्याग्रह लगातार जारी है, और इस समय पूरे ओंकारेश्वर के डूब क्षेत्र में एक बड़ा आक्रोश है, जहां एक तरफ पूरा देश दिवाली का त्यौहार मना रहा है, दूसरी तरफ ओंकारेश्वर बांध का डूब क्षेत्र एक काली दिवाली के रूप में मना रहा है, क्योंकि उनके घरों में पानी घुस रहा है, उनके खेतों में पानी घुस रहा है, और बिना पुनर्वास डुबाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों का निर्धार पक्का है, संकल्प पक्का है कि चाहे हमारा जीवन चला जाए, पर हम अपने अधिकार लिए बिना नहीं हटेंगे। सरकार से बिल्कुल साफ मांग है कि पानी कम किया जाए, पानी को 193 मीटर तक वापस लाया जाए, और जब तक संपूर्ण पुनर्वास नहीं हो जाता है तब तक पानी नहीं भरा जाए। प्रशासन ने कुछ कार्रवाई की अभी तक? देखिए, बातचीत तो जो भी हुई है उसमें हमने सब कुछ दे दिया है, हमने लिखित में एक एक चीज़ किस कानून किस नियम के तहत हमें क्या दिया जाना बाकी है, अब उनके हाथ में कार्रवाई है। जब तक पुनर्वास पूरा नहीं होता ये संघर्ष जारी रहेगा। बड़वानी में भी प्रशासन ने हद्धर्मता दिखाई है, यहाँ भी इस तरह की हद्धर्मता, क्या कुछ लगता है प्रशासन मानेगा इसको? देखिए, प्रशासन माने ना माने हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो 30 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं। ओंकारेश्वर बांध में तीसरा जल सत्याग्रह कर रहे हैं, पहले 17 दिन, फिर 32 दिन, और एक बार फिर से तैयारी के साथ हम बैठ गए। हमारा निश्चय बिल्कुल साफ है कि भले ही हमारा जीवन चला जाए, और हम मानते हैं कि अगर हमारे जीवन देने की ताकत होगी और उनमें जरा सी भी अगर संवेदनशीलता होगी तो निश्चित रूप से विस्थापितों का पुनर्वास करेंगे। एक सवाल और था कि पहले जब कांग्रेस विपक्ष में थी, उन्होंने आपके आंदोलन का समर्थन किया था, आपकी मांगे मनवाने का वादा किया था, अब खुद सरकार में है, तो क्या ऐसी क्या बात है जो मांगे आपकी मानी नहीं जा रही है? मुझे लगता है कि प्रश्न आप कांग्रेस वालों से और सरकार वालों से पूछे वही जवाब दे पाएंगे, मुझे पास वो जवाब नहीं। जल सत्याग्रह के बारे में तो हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जो कर रहे हैं वही बता पाएंगे कि कब खत्म करेंगे, लेकिन हम लोग की कोशिश है कि हर किसान तक हम पहुँचें, और हम लोग लगातार लोगों से व्यक्तिगत संवाद कर रहे हैं। जो भी किसान ग्रुप में या खुद या गांव की कोई समस्या लेके आते हैं, हम उसको तत्काल रिजॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि 1-to-1 प्रकरणों का निराकरण होके विस्थापित सुखपूर्वक अपनी नई जगह में बस सके और एक बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर सके। उसके लिए हम लोग बड़े दोस्ताना तरीके से पूरा प्रशासन, जो संबंधित विभाग हैं, वो संसाधन भी उपलब्ध करा रहे हैं, उनके साथ हैं, उनके व्यक्तिगत समस्याओं के लिए हमारा हमला पूरा फील्ड में लगा हुआ है। तो किसानों के और हमारे बीच में जो प्रभावित हैं उनके बीच में ऐसा कोई कड़वाहट नहीं है कि